तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। यह है सब्जेक्ट भाषा का ज्ञान और यह पहला क्वेश्चन है, मृतक में कौन सी शक्ति है, गुड़ भी हृदय श्री गुरु या भी व्यंजन, पाचन भी सही होगा हृदय भी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कैसे सत्य चयन कीजिए, ए आंसु बी हाथी सी वर्षा और डी बारह, तो ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, यथार्थ में कौन सी संधि है, ए दीर्घ बी वृद्धि सी गु डी उन्हीं से कौन है, तो ऑप्शन ए सही है दीर्घ। चौथा क्वेश्चन, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, ए ने बी से सी के लिए और डी को, इसमें से ऑप्शन बी सही है से। पांचवा क्वेश्चन है, भूतकाल में कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, ए तीन बी चार सी पाँच और डी छः, तो सही ऑप्शन डी होगा छः। छठा क्वेश्चन, शिव का विशेषण क्या है, ए शिवेश बी शैल सी शैव और डी शंकर, तो सही ऑप्शन सी होगा शैव। सातवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, ए शाम बी पानी सी नदी और डी बचपन, तो ऑप्शन डी सही होगा बचपन। आठवां क्वेश्चन, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ए आनी बी ई सी धानी और डी ई, तो ऑप्शन बी सही है ई बड़ी ई होगा। नवा क्वेश्चन, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए नत बी औ सी अवन और डी अ, ऑप्शन बी सही होगा अव। दसवा क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग है ए पुरह बी पुर सी पुरा और डी पुरस, तो ऑप्शन ए सही होगा पुरा। ग्यारहवा क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, ए अनुस्वार बी अंतस्थ सी अयुग्वा और डी अकारांत, तो सही ऑप्शन इसका डी है अकारांत। बारहवा क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ए मूर्धा सी बी दंत सी कंठ और डी तालु, इसका सही ऑप्शन सी होगा कंठ। तेरह क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है ए श बी अ सी ज और डी ह, तो सही ऑप्शन ए होगा स। चौदहवा क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ए ज प्लस अन्य और बी ज प्लस ज्ञ सी ज प्लस ज्ञ और डी ज प्लस ध, तो ऑप्शन सी सही होगा ज प्लस ज। पंद्रह क्वेश्चन है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ए घोषवर बी संयुक्त वर सी मूल स्वर और डी तालव, तो ऑप्शन बी सही होगा संयुक्त वर। सोलहवा क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है, ए पचास बी इक्यावन सी बावन और डी तिरालीस, तो सही ऑप्शन सी होगा बावन। सत्रहवा क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर है, ए ख बी क सी भ और डी ध, तो अमानक वर्ण कौन सा है, ऑप्शन सी सही होगा भ। अठारहवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ए ख बी म सी ठ और डी च, ऑप्शन बी सही है म। उन्नीसवा क्वेश्चन, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है, किस शब्द में द्वित व्यंजन है, ए दिल्ली बी पुनः सी उत्साह और डी इलाहाबाद, ऑप्शन ए सही है दिल्ली। बीसवा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, ए ई अ ई बी उ ऊ सी अ आ और डी अंग अह, ऑप्शन डी सही होगा अंग और अह अयोगवाह वर्ण है। इक्कीसवा क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, ए श बी ग सी ज और डी ग, तो ऑप्शन बी सही होगा ग। बाईसवा क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, ए अ आ बी ह भ सी क ग और डी थ ध,
तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, प और ग। 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। ए ढ, बी प ग, घ, सी प फ और डी ज झ। इसका सही ऑप्शन ए होगा, ड और ढ। 24वां क्वेश्चन है, इनमें से रस के कौन सा भेद है, रस का कौन सा भेद है। ए रूपक, बी करुणा, सी लेख, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, करुणा। 25वां क्वेश्चन, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। ए 10, बी 11, सी 15 और डी 12। तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, 12। 26वां क्वेश्चन है, इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है। ए छेकानुप्रास, बी लाटानुप्रास, सी शब्दालंकार और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, शब्दालंकार। 27वां क्वेश्चन है, महात्मा में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, महात्मा में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास है, बी अभिभाव समास है, सी बहुव्रीहि समास है, डी कर्मधारय समास है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, कर्मधारय समास, महात्मा में कर्मधारय समास होगा। 28वां क्वेश्चन, सिर तोड़ में कौन सा समास है। ए करुणा तत्पुरुष, सॉरी ए करण तत्पुरुष, बी कर्म तत्पुरुष, सी अपादान तत्पुरुष और डी संप्रदान तत्पुरुष। तो सिर तोड़ में कौन सा समास होगा, ऑप्शन बी सही होगा, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष सिर तोड़ का समास है। अब ये 29वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए सर्वोत्तम, बी स्रोत, सी कीर्ति और डी स्थान सारे। तो ऑप्शन बी सही होगा, स्रोत। 30वां क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुषुप्ति, ससुप्ति, सुसुप्ति और सुसुति। इसका सही ऑप्शन ए होगा, सुसुप्ति। 31वां क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ए 7, बी 4, सी 5 या डी 3। इसका सही ऑप्शन 3 होगा, यानी कि डी है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। 32वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है। ए नगर शहर, बी नशा मद, सी निशान चिन्ह और डी नारी स्त्री। इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत है, निशान और चिन्ह। 33वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए पुण्य, बी कलश, सी रसायण और डी कल्याण। तो इसमें से ए ऑप्शन अशुद्ध है, पुण्य। 34वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए भस्म, बी हिंदू, सी प्राण और डी चिन्ह। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्राण। 35वां क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं। ए अ आ, बी प ग, सी ख घ और डी थ घ। तो अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं, ऑप्शन डी सही होगा, क और ग अल्प प्राण वर्ग है। 36वां क्वेश्चन है, ग्रीस में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि या डी अयाधि संधि। ऑप्शन सी सही होगा, दीर्घ संधि। 37वां है, इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। ए शीतल, बी सर्दी, सी विस्तार, डी वसंत। ऑप्शन डी सही है, वसंत। 38वां क्वेश्चन है, तरुण का विपरार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरार्थक शब्द बताइए। ए मंद है, बी सुस्त है, सी वृद्ध है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, वृद्ध। 39वां है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। ए भाष्य, वी भाष, सी भाष और डी भाष। इसका सही ऑप्शन बी होगा, भाष। 40वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती या हिरण्यगर्भा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए रत्नगर्भा, बी स्वर्णमयी, सी वसुमती और डी हिरण्यगर्भा। इसका सही ऑप्शन ए होगा, रत्नगर्भा। 41वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। ए
जिस इतिहास में कई प्रमाण हो भी ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का से अति प्राचीन इतिहास से संबंधित या भी लिपिबद्ध इतिहास। इसका सही ऑप्शन भी होगा ज्ञात इतिहास से पूर्व समय का। 42वां क्वेश्चन है, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? ए वातायन, बी गवाच, सी द्वार, डी झरोखा। ऑप्शन सी सही होगा, द्वार। द्वार जो है वो खिड़की का पर्यायवाची नहीं होगा। 83वां क्वेश्चन है, किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? ए पुत्र, बी चिरंजीव, सी दीर्घजीवी, डी शतायु। ऑप्शन ए पुत्र जो है वो आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं होगा। 44वां क्वेश्चन है, किस क्रम में सेना का पर्याप्त है? ए अरे, बी चमु, सी विभा और डी पुंज। तो ऑप्शन बी सही है, चमु। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? ए निशा, बी विभावरी, सी डी तिमिर। तो रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी सही होगा, तिमिर। 46वां क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ए चंद्रमा चपला, बी अग्रि अनिल, सी मार्तंड भास्कर और डी व्योम कौमुदी। इसका सही ऑप्शन सी होगा, मार्तंड और भास्कर। 47वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? ए अवानी अचला महीधर, बी मही अवानी वसुंधरा, सी मही मोहिनी अचल या डी मही अवानी वसुंधरा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची है ऑप्शन डी सही होगा, मही अवानी और वसुंधरा। 48वां क्वेश्चन है, किस में निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है? नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, ए दृक, बी कुमुद, सी अचि और डी लोचन। इसका सही ऑप्शन डी होगा, कुमुद। कुमुद जो है वो नेत्र का पर्यायवाची नहीं होता है। 49वां क्वेश्चन है, प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए प्रयात, बी पुष्कर, सी पुष्कल और डी प्रबोध। तो प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है पुष्कर। पुष्कर जो है वो प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, वैंते किसका पर्यायवाची है? ए गरुड़ का, बी जंगल का, सी स्त्री का और डी गंगा का। इसका सही ऑप्शन ए होगा, गरुड़ का। वैंते जो है वो गरुड़ का पर्यायवाची है। धन्यवाद, अब ये क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे आपको तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।